स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाल। दोस्तों, इस वक्त देश का माहौल किस तरीके से गरमाया हुआ है ये तमाम खबरों में आप देख ही रहे होंगे। अग्निपथ योजना के सामने आने के बाद युवाओं का गुस्सा किस तरीके से निकल रहा है ये भी तमाम वीडियोस और तस्वीरें दिखा ही रही हैं। युवाओं के हाथ में पत्थर, झंडा, डंडे, ट्रेनों को रोकना, ट्रेनों में आग लगाना, ट्रेनों का रद्द होना, आम नागरिकों का परेशान होना, तमाम तरीके के हालात से इस वक्त हिंदुस्तान जूझ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब यूपी के हालात बेकाबू हो गए हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि जो युवा है उसका सारा का सारा गुस्सा सरकारी संपत्ति पर निकल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल किया गया। युवाओं का एक झुंड अलीगढ़ की पुलिस चौकी के बाहर पहुंचता है, पुलिस चौकी में घुसकर तोड़फोड़ करता है और उसके बाद उस पुलिस चौकी को आग के हवाले कर देता है। जी हाँ, ये खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर किस तरीके से गुस्साए युवा हैं, जो दंगई बन चुके हैं, वो पुलिस चौकी को आग के हवाले कर देते हैं। एक नजर इस वीडियो पर डालिए, ये अलीगढ़ का वीडियो है, अलीगढ़ की पुलिस चौकी के अंदर किस तरीके से युवाओं ने आग लगा दी। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ये पुलिस चौकी युवाओं के गुस्से की आग में झुलस रही है। पुलिस कर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा, ये नौबत आ गई। आपने ये देखा कि पुलिस चौकी में किस तरीके से आग लगा दी गई युवाओं द्वारा। हालात यही खत्म नहीं होते हैं। आपको बता दूं कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया युवाओं द्वारा। वो युवा जो तैयारी करता था, आज वही युवा किस तरीके से दंगई बन गया है, ये तस्वीरें आपको दर्शा ही रही है। हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, पाल सिंह की गाड़ी में आग लगा दी गई युवाओं द्वारा। आप स्क्रीन पर न्यूज 24 का ये ट्वीट देख सकते हैं, जहां पर अलीगढ़ के जो अधिकारी हैं राजपाल सिंह, उनकी गाड़ी में आग लगा दी जाती है। आप देखिए इस वीडियो में, वीडियो में भी साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि ये गाड़ी किस तरीके से जल रही है, युवाओं द्वारा जलाई गई है। यही नहीं, कुछ वक्त पहले किस तरीके से एक शब्द बहुत ज्यादा हाईलाइट था, बुलडोजर। हालांकि अब भी वो शब्द बहुत ज्यादा हाईलाइट है और आगे भी रहने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा है। तो आपको बता दूं कि स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, जो आज तक के द्वारा काफी वक्त पहले उनके प्रोग्राम में चली थी, जहां पर ये कहा गया था कि शुक्रवार का इंतजार किया जा रहा है, जुम्मे का इंतजार किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। सड़कों पर उतरेंगे तो बुलडोजर से रौंद दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके की खबरें चल रही थी। नुपुर शर्मा केस के बाद जब मुसलमान सड़कों पर आया तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बार बार बाहर आ रहे थे, उनके बयान बाहर आ रहे थे, वो खुद तमाम चीजों पर ये चीज निकलकर सामने आ रही थी कि बुलडोजर चलाया जाएगा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, और चला भी। लेकिन वहीं अब बुलडोजर बाबा का बुलडोजर नहीं दिख रहा है, मुसलमान नहीं दिख रहा है। ये आप वाराणसी का वीडियो देखिए, जहां पर ये युवा किस तरीके से सड़कों पर है और आज कोई जुम्मा नहीं है। किस तरीके से वाराणसी में युवा सड़कों पर आया, हाथ में डंडे लेकर किस तरीके का उत्पात मचाया गया, एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए। युवा किस तरीके से वाराणसी में सड़कों पर उतरा हुआ है, गुस्साए युवा, युवा अब जो है एक अभ्यर्थी से दंगई में परिवर्तित हो चुका है। और इसका एकमात्र श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री की एक अद्भुत योजना को, जिसका नाम है अग्निपथ योजना, और ये प्रधानमंत्री के अग्निवीर है। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ये वाराणसी की वीडियो है।
अलीगढ़ की वीडियो देखी, वाराणसी में अभ्यर्थियों का क्या हाल है, किस तरीके से आम नागरिकों को उनकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर ये खबर देखिए तो आपको विस्तार से पता चलेगा कि अलीगढ़ में आखिरकार माजरा क्या है। एक नजर इस तस्वीर पर। सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को पूरे उत्तर प्रदेश में और तेज हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अलीगढ़ में जटारी पुलिस स्टेशन की इमारत और एक पुलिस वाहन में आग लगा दी। पुलिस के अनुसार वाराणसी, फिरोजाबाद, अमेठी, बलिया, मथुरा, आगरा और कई अन्य क्षेत्रों सहित राज्य भर में 17 स्थानों में विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली है। यह आपने खबर देखी जहां आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन युवाओं का जारी है। अलीगढ़ में किस तरीके से पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, ये तमाम खबर आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियोस आपके सामने हैं। और अग्निपथ स्कीम के बाद ना जाने और कितने प्रदर्शन कैसे रूप लेने वाले हैं, ये देखना अभी बाकी है। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद, पुलिस चौकी में जिस तरीके से आग लगाई गई इसको देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और आपके राज्य में क्या स्थिति है, आपके शहर में क्या स्थिति है इस वक्त अग्निपथ के आने के बाद, कमेंट कर जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दिक्कत जा। धन्यवाद।